हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको अगला जो आपका जो चैप्टर चल रहा था तो उसमें ये तीसरा वीडियो है उसका, और ये 1.4 जो NCERT का हेडिंग है इसके बारे में मैं आपको आज सारी चीज़ें क्लियर करूँगा, एक एक पॉइंट समझाऊँगा आपको। देखिए, ये वर्गीकृत सहायता साधन टेक्जोनॉमिकल एड्स या टूल्स, ठीक है। इसमें हमें मुख्य रूप से आपका वनस्पति संग्रहालय यानी हर्बेरियम पढ़ना है, बॉटनिकल गार्डन पढ़ना है, प्राणी संग्रहालय यानी म्यूजियम पढ़ना है, आपको जूलॉजिकल पार्क और की पढ़नी है, ठीक है। ये है इसमें। तो सबसे पहले बात करते हैं हर्बेरियम की। देखिए, हर्बेरियम में लिखा हुआ है कि पौधों को एक सीट पर हजारों वर्षों तक सुरक्षित रखना, यानी हर्बेरियम का जो मुख्य, जिसे पहले अगर हम देखें हर्बेरियम क्या होता है, तो एक सीट होती है, पेपर होता है, ब्लॉटिंग पेपर, ठीक है। उस पेपर पे क्या करते हैं हम लोग, प्लांट को कलेक्ट करके उस पे चिपका देते हैं। कौन कौन सी सावधानी, कौन कौन सी मेथड और क्या उद्देश्य इसका होता है, वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी। देखा कि कुछ पौधों को हम लोग क्या करते हैं, 4% फॉर्मलिन सॉल्यूशन के बिलियन में डिप करके रखते हैं शीशे के जार में, ताकि वो लंबे समय तक सुरक्षित रह सकें। उसके बाद में लिखा है भारत में प्रमुख कौन कौन से आपके बॉटनिकल हर्बेरियम जहाँ बड़े बड़े हैं, तो इंडिया में देखिए FRI है सबसे बड़ा है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि देहरादून में है, इंडियन बॉटनिकल गार्डन कलकत्ता में है, और नेशनल बॉटनिकल गार्डन जो है वो लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है कि देखिए जो पौधे हैं जो आगे समय में, आने वाले समय में क्या हो रहे हैं आपके, मतलब कि वो लुप्त होने की कगार पे हैं, तो उन पौधों को हम सुरक्षित रखते हैं, उनके अवशेषों को, या कुछ औषधीय पौधे होते हैं उनके गुण को भी हम सुरक्षित रखते हैं, ताकि हम लंबे समय तक उनके अस्तित्व को बनाए रखें, ठीक है, और आने वाले जनरेशन को दिखा सकें कि ये चीज़ ऐसी होती थी। उसके बाद में ये तो उद्देश्य हो गया उसका। तैयार करने की विधि, तो उसके लिए हमें पहले आवश्यक इंस्ट्रूमेंट पता होना चाहिए कि हमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है, तो मैं आपको इस किताब में दिखा रहा हूँ। देखिए, ये देखिए आपके इसमें ये लिखे हुए हैं, कैंची, चाकू, खुरपी, चिमटी, बेस्कुलर और ब्लॉटिंग पेपर, प्रेस, लेंस, नोटबुक, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तैयार करने की विधि इसमें यही है कि सबसे पहले क्या करेंगे हम, कलेक्शन करेंगे, कलेक्शन करने के बाद क्या करेंगे उसको सुखाएंगे, और फिर बाद में हम ब्लॉटिंग पेपर जो इसका ये जो साइज़ होना चाहिए वो आप ये देख रहे होंगे, आप देखिए ये है उसका साइज 12x18, ठीक है, इसकी माप ये होती है। इस तरीके से उस पर एक फॉर्मेट बनता है, पेपर पे पूरा बना होता है, ये हमें फिल करना होता है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फ्लोरा आप यानी प्लांट क्या है, वो नंबर कौन से नंबर का है, बॉटनिकल नेम क्या है, लोकल नेम क्या है, फैमिली, लोकेलिटी, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। कुछ आप डेट कलेक्ट किसने के द्वारा किया गया, कब किया गया, ठीक है। उसके बाद में ये सारी चीज़ें आप देख रहे हो, ये हर्बेरियम के बारे में है। दूसरा हमारे हेडिंग है, आप देखिए वनस्पति उद्यान बॉटनिकल गार्डन। सबसे पहली बात तो बॉटनिकल गार्डन होते क्या है, ठीक है। तो बॉटनिकल गार्डन आपको बता दें जहाँ पे जीवित पौधों को रखा जाता है, जबकि हर्बेरियम में सारे सारे पौधे क्या होते हैं, उनके अवशेष मृत पौधे होते हैं, जबकि बॉटनिकल गार्डन में कैसे होते हैं, सभी जीवित पौधों को रखा जाता है। इसकी स्थापना थियोक्रेटस ने की थी, देखिए और दिया है सबसे पहले इटली में हुई थी, जो कि आपकी सन दे रखी इन्होंने 1543, ठीक है। और उसके बाद में क्या है, कौन कौन से बड़े बड़े हैं, तो देखिए सबसे पहले रॉयल बॉटनिकल गार्डन जो कि इंग्लैंड में है, इसकी स्थापना, और आपको कुछ नहीं देखना है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कौन कहाँ है। भारतीय वनस्पति इंडियन बॉटनिकल गार्डन आपको अभी पता लगा कोलकाता हावड़ा में है, ठीक है। और अगर देखा जाए यहाँ पे एक पॉइंट नोट डाउन करने वाले, विलियम रॉक्सबर्ग भारतीय वनस्पति विज्ञान का जनक, वनस्पति विज्ञान का जनक तो थियोफ्रेटस होते हैं, ठीक है, लेकिन अगर इंडियन वाले की देखे जाए तो भारतीय में विलियम रॉक्सबर्ग हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान देने की बात है। उसके बाद में एक ये लाल बाग वाला इंपॉर्टेंट, लाल बाग वनस्पति उद्यान कहाँ है, तो ये बंगलोर कर्नाटक में है। बस इतना ही आपके लिए है, मैंने आपको बता दिया इसमें क्या हो, जीवित पौधों को रखा जाता है, ऐसे पौधों को जो हर जगह सर्वाइव नहीं कर पाते हैं तो उन्हें एक पर्टिकुलर स्थान पर रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद में म्यूजियम देखते हैं, म्यूजियम क्या होता है, तो म्यूजियम में क्या होता है, म्यूजियम में मृत एनिमल्स के कंकाल वगैरह रखे जाते हैं जो हजारों करोड़ों वर्ष पहले नष्ट हो चुके हैं दुनिया में, उनको रखा जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य यहाँ पे पड़ा है अध्ययन की सुविधा और नई जातियों की खोज, जैव विकास का प्रमाण इनसे ही मिलता है हमें, और ये कुछ इंस्टीट्यूट दे रखे हैं जो कहाँ कहाँ हैं इस टाइप के। उसके बाद में आप देखिए जूलॉजिकल पार्क्स हैं, तो जूलॉजिकल पार्क्स में मैं आपको बता दूँ, जैसे बॉटनिकल पार्क होते हैं उनमें जीवित पौधे रखे जाते हैं, वैसे जूलॉजिकल पार्क में जीवित जंतुओं को रखा जाता है, जो जंतु हर जगह पर सर्वाइव नहीं कर पाते उन्हें एक पर्टिकुलर एरिया दिया जाता है, उनके लिए वहाँ आवश्यक वातावरण उनके अकॉर्डिंग रखा जाता है, तो वो कहलाता है जूलॉजिकल पार्क। इसके महत्व क्या हो सकते हैं, जंतुओं का संरक्षण करना, प्राणियों में प्रजनन, जीन बैंक और अध्ययन की सुविधा, मनोरंजन के लिए देखते हैं हम लोग, देखने जाते हैं चिड़ियाघरों को कि चलो देख के आते हैं शेर कैसा होता है। उसके बाद में ये देखो इस कुछ इंस्टीट्यूट भी दिए रखे हैं, तो ये आपको पता ही है नैनीताल हर जगह। उसके बाद में एक और है लास्ट में, की
तो की क्या होता है, की देखो एक ऐसी साधन सामग्री है जिसमें क्या होता है लक्षणों को समानता और असमानता के आधार पर पौधों एवं जंतुओं में पहचानने के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब कोई ऐसी चीज़ जो जंतु और पौधों को समानता और असमानता में पहचानने के लिए यूज की जाए वही हमारी क्या होती है, कीज होती है। तो ये हमारा जो बचा था वो था पूरा टोटल, और इसके बाद में अगले वीडियो में मैं आपको NCERT के टोटल नोट्स जो आपके अभ्यास प्रश्न में दे रखे हैं वो लेके आऊँगा। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड को भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।